गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल को आए थे हम लोग यहाँ। मैं पेशेंट की वालदा हूँ, मेरी बच्ची का नाम अजरा शबनम है। मेरी बच्ची जो है ना मंगल को मंगल कार्ड बनाई थी यहाँ पर। उन लोग जब से मेरी बच्ची कार्ड बनाई वो ना क्या बोल रहे थे, नॉर्मल होती नॉर्मल होती नॉर्मल होती, स्कैनिंग कराओ टिफा स्कैनिंग कराओ। बोलते हम ना टिफा स्कैनिंग कराए, टिफा स्कैनिंग में देख के बोले बच्चा आड़ा है ऑपरेशन करना पड़ता, बोले वहाँ को भी अच्छी बात है। बोले फिर उसके बाद में क्या बोले मालूम, उनके वालिद देखो अगर कुछ भी हो गया तो आप लोग जिम्मेदार है। बोलते चाहे खून निकले दो पानी निकले दो क्या भी निकले दो हमारी जिम्मेदारी है। बोले फिर वो लोगों की जिम्मेदारी पे हम इतवार को लेकर आए तो लोग जो है ना हमारे शोहर से बदतमीजी से बात करे, जाओ 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 प्राइवेट में करो, यहाँ पर कहीं को लेकर गवर्नमेंट दवाखाने में वैसे वाले कॉपर्टी डालना है तो करो नहीं तो नको करो बोल के बोल रहे। और जो है ना इतने गैर जिम्मेदार दाया पैसे ले रही साफ करने के, क्या क्या केसीआर साहब और पैसे नहीं दे रहे क्या दाया वो लोगों को, हर महीना तनख्वाह उठाते ना। फिर पेशेंट गरीबा रहते गरीबा कमाते क्या खाते क्या, 500-500 रुपये ले रहे, 3000 रुपये बच्चा देने के ले रहे अंदर, क्या तो भी है ये समझ में नहीं आ रहा। इतना जुल्म बढ़ रहा गरीबों पे, गरीबा कहाँ से ला के देना पैसे, मुसीबत में रहते तकलीफ में रहते, एक टाइम का खाना नहीं खाते। चलो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है डिलीवरी करेंगे बोल के आते, उसका कुछ भी सिला नहीं मिलना, नाम का गवर्नमेंट हॉस्पिटल रह गया। प्राइवेट अच्छा है उससे तो पैसे जमा कर लेना, मेहनत मजदूरी कर लेके प्राइवेट में डिलीवरी करा देना। प्रॉब्लम क्या हो रहा अब हम लोगों को, प्रॉब्लम ये है मेरी बच्ची को जान का धोखा है। मेरी बच्ची जो है ना खाना नहीं खा रही, कुछ ना कह रही, मम्मी मैं मर जाती हूँ, मम्मी मैं जिंदा नहीं रहती, मम्मी मैं मर जाती हूँ, मेरे को मैं खत्म होने वाली हूँ, मम्मी मेरी बच्ची भी मरने वाली है, मैं भी मरने वाली हूँ। बल्कि मेरी बच्ची दो तीन दिन से मर रही है, अगर होंगा अगर कभी होंगा तो इसका जिम्मेदार के दवाखाने के बड़े कौन है, वो लोग रहेंगे मेरी बच्ची की तकलीफ में देखी नहीं जा रही। वो कौन की एक मैडम है, वो मैडम मेरे को डॉक्टर का नाम नहीं मालूम, मगर हमारी शोहर थे। मेरी बच्ची जो है ना उठने आ रहा ना, मेरी बच्ची को बैठने आ रहा ना, मेरी बच्ची को खाने आ रहा ना, मेरी बच्ची को बच्ची की डिलीवरी हो गई, मगर बड़े ऑपरेशन से हुए और बगैर इजाजत के जो है ना कापटी डाल दिए। अब मेरी बच्ची को इतना खूना निकाल रहे, इतना खूना निकाल रहे, उसको पूरा कमजोर हो गई, पूरे पैरा फूल गए उसको, उसको बैठने आ रहा ना उठने आ रहा उसको। मैं गुजारिश चाह रही हूँ केसीआर साहब से कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ कल दूसरे बच्चियों के साथ नहीं होना, इसका इंसाफ चाहिए मेरे को कमिश्नर साहब से भी केसीआर साहब से भी। कहाँ जाना गरीबों, आप लोग गरीबों का ऐसा दवाखाना बनाए, मेरे को गरीबों का दवाखाना नहीं दिख रहा, लूटने वालों का दवाखाना दिख रहा। ये कौन सा कौन इंसान कैसी हालत से रहता, क्या मजबूर रहता, मजबूरी के लिए यहाँ पर आके डिलीवरियाँ कराते, लूट रहे हैं यहाँ पर, लूटने का धंधा बना रहे तुम लोग, गलत तरीका है ये, तुम लोगों का ऐसा नहीं करना। तुम लोग बच्ची को थायराइड है, मेरी बड़े हुआ है थायराइड, मेरी बच्ची का देखो थायराइड दुनिया का बड़े हुआ है, उस्मानिया में बताओ, बोले मेरी बच्ची को उस्मानिया में बताए हम लोग 11% है, ऊपर से उसके जिसम में खून कम है, खूनों पे खून निकालना। अब ससुराल वाले क्या बोलना, ये हमारे दामाद है, हम लोग का पट्टी दलाए बोल के बोल रहे हैं लोग। अब मालूम हुआ है खाने में आया था मेरी वाइफ को लेके, इतवार के दिन संडे के दिन लेके आया था, तो यहाँ पे जो है सो पहले नॉर्मल होती बोले, 1 से 2 बार लेके आने के टाइम पे 2-3 बार आए थे तो नॉर्मल होती बोले, उसके बाद से अर्जेंट 7 तारीख को बुला लिए चेकअप के लिए बुला लिए। फिर देख के बोले नहीं ऑपरेशन से होती बोले, तो अच्छी बात है ठीक है चलिए ऑपरेशन कर दीजिए बोल के बोले, तो ऑपरेशन के लिए बोल दिए। तो उसके बाद से क्या करे लगा, वो बच्चे न होने का कॉपर्टी कुछ ऐसा डाल दिए बिना इजाज़त के। अब उनकी जो है तबीयत बहुत नाजुक हो गई हुई है, उनको ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और उन ना बच्ची को दूध पिला सक रहे ना कुछ कर सक रहे, और यहाँ पे डॉक्टर जो है सो एक चीज़ पे भी कुछ भी तवज्जो नहीं दे रहे, कुछ भी बोले तो घर बोल के आँख पे आ जा रहे। यहाँ के गार्ड्स भी ढकल दे रहे, यहाँ पे जो गेट पर ठहरे हुए रहते गार्ड्स वगैरह, लोगों का नाम एक जने का नाम लक्ष्मण है और 2-3 जने बगैर पैसों के कुछ काम नहीं कर रहे यहाँ पे। अब तक जी एडमिट कराए थे, संडे के दिन एडमिट कराए थे, एडमिट कराए आपको साइन वगैरह लिए थे पेपर पे, साइन हमारे ससुराल साहब करे थे साइन, क्या बोल के लिए साइन क्या बोल के लिए थे, बस ऐसे ऑपरेशन करना है बोल के साइन लिए थे, नहीं तो आपकी बच्ची की जान को धोखा है आपकी प्राइवेट में करा लो वो ये बोल के झड़कियाँ दे दे रहे। ऑपरेशन करते बोले नॉर्मल होती बोले पहले, उसके बाद से फिर ऑपरेशन बोल के बोले। तो कितने दिन से क्या प्रॉब्लम हो रहा आपको? अब यहाँ पे आ जाने के बाद से यहाँ पे ना डॉक्टर साइंस वो कर रहे हैं, जिसको बोले उसको ऐसा हाथ पे मार के पूरा खून निकल गया उनके हाथ पे, ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ा दे रहे, ब्लडिंग हो रही देख रहे नहीं ठीक से, और हर चीज़ में पैसे ले रहे हैं यहाँ पे, 3000 रुपये देना करते बच्ची रही तो बच्चा रहा तो। यहाँ के पूरे रिपोर्ट आए हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा अभी? अभी प्रॉब्लम जो है सो यहाँ पे बच्ची की जान को धोखा है। तो कंप्लेंट करें आप लोगों? हाँ कंप्लेंट कर दिए, दूध बली पीएस में कंप्लेंट कर दिए, सुबह में 100 पे डायल करके कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट करे। उल्लंघा बोले ठीक है आप देखो अगर ऐसा कुछ भी रहा तो फ़ोन करो फिर से आते बोल के बोले। अपने वहाँ क्या चाह रहे अभी? अभी हमारी गुजारिश है कि अंजलि कुमार साहब से, सीएम से, सीएम केसीआर साहब से
कि ऐसा ये जो दो बच्चों पे एक बच्चों पे ये तो मेरा पहला ने फर्स्ट है, तो फर्स्ट में ऐसा कैसा करते हैं, क्या इस पर कमीशन वगैरह है क्या आप लोगों की डॉक्टर्स की, मतलब कुछ पैसे रखते क्या लगा पहले पे कर देने दूसरे पे कर देने, यार बिना बोले कैसा करते ये, पहले बच्ची कमज़ोर है ऊपर से और ये ऐसा कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार है सर इसके, जान को धोखा है अगर कुछ भी हुआ तो ये हॉस्पिटल पे रोकना जिम्मेदार है ना। అన్నం తీసుకొని అన్నం తీసుకొని అన్నం తీసుకొని